गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इनसॉल्वेंट रेडिकल जनरेशन रिएक्शन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू रेडिकल इंटरमीडिएट। तो आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। और इस स्टार्टिंग मटेरियल में ये आपको फोर मेंबर रिंग है जो कि मोर स्ट्रैंड है और अल्फा पाइनिन की तरह आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। CCl4 यहाँ पे आपको सॉल्वेंट दे रखा है या फिर हो सकता है BrCCl3 या BrCCl3। इन सभी कंडीशन में आपको साथ में दे रखी है HNU कंडीशन आपको दे रखी है, फोटोलिटिक कंडीशन दे रखी है। तो फोटोलिटिक कंडीशन में क्या होगा, कार्बन लाइक हमने लिया पहले कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड में एक मिलेगा आपके पास Cl डॉट रेडिकल, एक मिलेगा CCl3 डॉट रेडिकल। अब इस CCl3 डॉट रेडिकल का एल्किन के ऊपर एडिशन होगा, एल्किन के ऊपर एडिशन कैसे होगा, ये टर्मिनल पोर्शन के ऊपर जुड़ेगा और टर्सरी कार्बन के ऊपर डॉट आएगा। तो ये टर्सरी कार्बन जो है हमारा इसके ऊपर डॉट आया, मीन्स रेडिकल टर्सरी रेडिकल इज मोर स्टेबल। अब ये जो फोर मेंबर रिंग है ये एक्सपेंड करेगी, 4 to 5 जाएगी, यानी कि पर्टिकुलर ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे। और अगर मैं इसको नाम दूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये बॉन्ड आपका माइग्रेट हुआ दिस वन, यहाँ से यहाँ बॉन्ड माइग्रेट हुआ, तो वन नंबर के पास अब बॉन्ड बनेगा और 6 के ऊपर रेडिकल आएगा। जैसे पहले मैंने इस बॉन्ड को क्लीव करके दिखाया आपके पास, जहाँ पे जो रहेगा दिस एक यहाँ पे, ये और ये आपस में अब एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, तो ये बन गया आपके पास, जस्ट वन मिनट, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर आ गया, दिस वन इज, इसको वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉन्ड, ये डॉट था यानी कि रेडिकल बना था, अब ये रेडिकल लाइक 1 and 2 कार्बन के बीच बॉन्ड का होमोलोटिक क्लीवेज हुआ और रेडिकल जनरेट हुआ। तो एक नंबर के ऊपर ये रेडिकल, एक रेडिकल ये, मैंने इसे ओपन कंडीशन में लिया, जो ऑफ था इसे डाउन में लिख दिया दिस वन, और ये जो रेडिकल पहले बना था ये दोनों कंबाइंड हो गए, तो मेरे पास क्या बना, एल्किन, दिस वन एल्किन बना। और नीचे जो रेडिकल बना था टर्सरी रेडिकल, यहाँ पे आपका जो Cl डॉट रेडिकल है जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के होमोलिटिक क्लीवेज से बना था, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, दिस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, CH2 भी आपके पास है तो उसे भी लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं सी देन CCl3 और यहाँ पे 2 H2 रहेंगे और नीचे आएगा दिस वन Cl, ओके। कब, जब CCl4 आप एज ए सॉल्वेंट इन फोटोलिटिक कंडीशन में लेते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप BrCCl3 इन फोटोलिटिक कंडीशन में आप यूज में लेते हो, फिर आपको ये मिलेगा, ये जो नीचे आया यहाँ पे आपको Cl की जगह Br देखने को मिलेगा। और अगर आप BrCCl3 लेते हो तो इसका मैकिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, पहले आपको मिलेगा Br.radical CCl3 डॉट रेडिकल, देन आफ्टर यहाँ पे इसका एडिशन हुआ तो यहाँ पे एक रेडिकल बना और ये भी बॉन्ड आपका होमोलिटिकली क्लीव हुआ, तो एक रेडिकल यहाँ पे और एक रेडिकल यहाँ पे बना, ठीक है। इन दोनों रेडिकल का कॉम्बिनेशन हुआ और डबल बॉन्ड देखने को मिला, तो ये आपका डबल बॉन्ड और ये रेडिकल अभी एग्जिस्ट कर रहा है। इस रेडिकल के साथ Br डॉट रेडिकल का कॉम्बिनेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड Br, ओके, और ये डबल बॉन्ड तो था ही, ये मेरे पास बन गया प्रोडक्ट। तो आपको मिला दिस टाइप का प्रोडक्ट। अब हमारे पास जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए है, आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसे मैंने सॉल्व नहीं किया आपको करना है। ये स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, आप पहला ले रहे हो टर्बुटिल टिन क्लोराइड सोडियम ब्रोमोहाइड्रेट और AiBn। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, ये कार्बन हेट्रो एटम बॉन्ड क्लीव होगा, कार्बन हेट्रो एटम बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ पे अब बनेगा आपको रेडिकल, ये रेडिकल साइक्लाइज होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनाएगा और 6 नंबर कार्बन पे रेडिकल आएगा। 6 नंबर जो कार्बन पे रेडिकल आपको देखने को मिलेगा वो आपके H को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। तो एक तो बन गया आपका दिस वन टाइप का, आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 5 मेंबर साइक्लिक रिंग, ठीक है,
फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिया आपने, सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन करने वाले यहाँ पे कौन सी मॉइटी आपके पास रहेगी, तो रिडक्शन आपका रहेगा ओएटी का, किसी का रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, H2SO4 जब आप लगाओगे तब क्या होगा, फिर ये आपका क्रोमिक क्लोराइड या फिर एक्विस H2SO4 एंड क्रोमिल क्लोराइड। तो ये कोशिश कीजिएगा आप सॉल्व करने की, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं इसका आंसर लिख के बताऊंगा। इसका पहला स्टेप तो आ जाएगा, सेकेंड स्टेप आप फाइंड आउट कीजिएगा, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा। इसे नेम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं इसको बता दूंगा। क्वेश्चन 19 कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। अब 18 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास, ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है हमारे पास। स्टार्टिंग मटेरियल में आपको दे रखा है दिस वन OH बॉन्ड, इसके एडजस्ट में टर्बुटाइल टर्बुटाइल। फर्स्ट स्टेप है K3FeCN6 यानी पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ये क्या करता है, ये भी रेडिकल जनरेट करता है। जो OH है ये रेडिकल किस टाइप जनरेट करता है, H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और H डॉट पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ बाइंड अप होता है। तो आपको क्या मिलता है साथ में, साथ में इस टाइप से मिलेगा, ये आपको रेडिकल मिलेगा। जस्ट वन मिनट, ये आपको रेडिकल देखने को मिलेगा। और फिर ये रेडिकल का आइसोमराइजेशन होगा, मींस कैसे, देखिए ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेंगे। मैं कलरिंग हाइलाइटर यूज करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस डबल बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वापस से मुझे रिड्रॉ करना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड दिस वन एंड टर्ब्यूटिल, दिस टर्ब्यूटिल, यहाँ पे बॉन्ड था। अब देखिए इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि नीचे पैरा पोजिशन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, पैरा पोजीशन पर रेडिकल देखने को मिलेगा। तो ये पैरा पोजीशन पर रेडिकल को मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, दिस वन, ठीक है। अब ये पैरा पोजीशन पर जो रेडिकल मिला, इसी टाइप का दो रेडिकल आपस में डाइमराइज करेंगे, क्या होंगे, डाइमर फॉर्म करेंगे, डाइमराइज, ओके, डाइमर फॉर्म करेंगे। सॉरी इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो डाइमर फॉर्म करने के बाद आपको क्या मिलेंगे, ये रहा आपका डाइमर फॉर्म करने के बाद ये बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इन दोनों हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप डाई ऑक्सीजन यूज में ले सकते हो। तो डाई ऑक्सीजन क्या होते हैं, ये एग्जिस्ट ही करते हैं आपके रेडिकल फॉर्म में, ये रेडिकल फॉर्म में रहते हैं ना। तो ये दोनों हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके क्या बना देंगे आपके पास, बनाएंगे परऑक्साइड H2O2 आपके पास बनाएंगे, ठीक। इन दोनों हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये बनाएंगे परऑक्साइड H2O2, और इनके बीच में, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये आपका डबल बॉन्ड देखने को मिला, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, ये अब आपको देखने को मिला डबल बॉन्ड, ठीक। तो ये मिला बन के ओवरऑल प्रोडक्ट, ओके। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट में से, जिसका ये आंसर आपको देखने को मिला। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में दिस वन sp2 कार्बन एंड br के बीच में, मतलब कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, और नाइट्रोजन का प्रोटेक्शन है बोट के साथ, दिस वन इज एल्किन। पहले स्टेप में हम ले रहे हैं AIBN ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्राइड। तो ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा हेट्रोलिटिकली, और यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल साइक्लाइज करेगा 1, 2, 3, 4, 5 के ऊपर साइक्लाइज करेगा, तो 6 नंबर पे रेडिकल जनरेट होगा। तो ये 5 मेंबर के ऊपर साइक्लाइज, और ये 6 पे जो रेडिकल जनरेट हुआ वो कार्बन सल्फर बॉन्ड
का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो देखिए पहले स्टेप से आया आपके पास 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे और ये आपका रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग। तो 1, 2, 3, 4 और 5 मेंबर रिंग आपके पास ये बनी, ठीक है। एन ब्लॉक है, अब आपने लिया सोडियम पर आयोडेट विथ ऑक्सीमियम टेट्रा ऑक्साइड, ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है। तो कैसे करेगा मैं ये भी बता देता हूँ, पहले मुझे बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग जो हमारा प्रोडक्ट बना, इसे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, फिर हम करके बताएंगे आपको। ये 5 मेंबर रिंग, इस नाइट्रोजन, ये ब्लॉक है इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर ये, ठीक है। यहाँ पे दो टर्मिनल पैच होंगे, यहाँ पे एक एच है, तो इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा इसकी पोजीशन में सेकेंड स्टेप में, ठीक है। ये बन गया आपका फर्स्ट स्टेप से प्रोडक्ट, जब सेकेंड स्टेप यूज करोगे क्या, लाइक आप यूज कर रहे हो NaIO4 विथ ऑक्सीमियम टेट्रोक्साइड, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा आपका, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, या लिख सकते हो एल्कीन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ये एल्कीन के ऊपर एक ओ यहाँ पे जोड़ना है आपको, ये देखिए H डबल बॉन्ड O बॉन्ड दिस, और यहाँ पे आप जो 5 मेंबर आपकी जो रिंग है उससे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना एल्डिहाइड और साथ में बनेगा एक फॉर्मल्डिहाइड, ऊपर भी आपको एक देखने को मिलेगा ना, तो ऊपर वाला पोर्शन को आप ऐसे लिखोगे, ये था, इसको मैं पर्पल से लिखता हूँ, H बॉन्ड H और यहाँ पे O, यानी एक बिना इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक। तो ये बना मेरा फॉर्मल्डिहाइड और ये बना मेरा एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड का फर्दर मैंने क्या रिएक्शन करवाया, स्टेप है मेरे पास सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट में ले रहा हूँ NaBH4, ये क्या करता है एल्डिहाइड का रिडक्शन, तो रिडक्शन करेगा एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में करेगा, एल्कोहल के अंदर। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस वन प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, बस उस पर्टिकुलर पोजीशन को मुझे कर देना है एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, और ये लिखना है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है बस इसे एल्कोहल में बना देना, ठीक है। इसे बना दिया मैंने एल्कोहल के अंदर, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इस लेक्चर के सारे क्वेश्चन हमने एटलीस्ट कर लिए हैं, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैकेनिज्म हम लिखेंगे नहीं, हम ओरली इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। पहला स्टेप क्या देखा है, दिस वन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्रेट, साथ में दे रखा था फोटोलिटिक कंडीशन, या फिर दे रखा होगा AIBN, तो यहाँ पर बनेगा रेडिकल, ठीक, रेडिकल बनेगा, फिर इसका साइक्लाइजेशन कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले स्टेप में तो मैंने यहाँ पे रेडिकल बनाया, फिर 5 और 6 पोजीशन को मैंने रेडिकल फॉर्म में लिख लिया, तो ये 5 है, ये 6 है, 5 के ऊपर डॉट, 6 के ऊपर डॉट, तो जो आपका 1 के ऊपर डॉट था वो 5 से कंबाइंड होगा और ये 5 नंबर रिंग बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, और 6 नंबर पे जो डॉट था वो सॉल्वेंट से H को एक्सेप्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड है अभी आपके पास, ठीक है। अब आपने यूज में लिया है BH3 बोरेन यूज में लिया है, तो एल्कीन के ऊपर बोरेन का सिस एडिशन होता है, आप पहले स्टेप में बोरेन का सिस एडिशन कराओगे लाइक दिस वन, लिखना तो पड़ेगा ही मैग्नीम, आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपका इतना पोर्शन था ऊपर का, जस्ट मैं ये येलो पोर्शन को लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये येलो पोर्शन है आपका, ये नीचे रहेगा H, इधर रहेगा BH2, ऊपर आपके पास दो H है, फिर आप इसकी रिएक्शन कराओगे बेस से NaOH और H2O से, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास NaOH H2O2 से कराओगे, H2O2 से आप कराओगे, ये NaOH H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड से होगा, तो आपको यहाँ पे BH2 रिप्लेस होगा OH से, तो क्या होगा, जस्ट आपको करवाना है दिस H और दिस OH, ये तो H है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये तो सेम रहेगा,
तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस ये आपका कार्बन था CH2, ये आपका OH और ये सेम था, तो ये येलो से मार्क कर देता हूँ। अब ये मैं डायबोरेन जो रीएजेंट है ये पढ़ेंगे हम रीएजेंट के लेक्चर के अंदर, इसके डिटेल स्टडी। ये बन गया आपके पास CH2OH पोर्शन, ये पोर्शन आपका CH2OH वाला, ये प्रोडक्ट बन गया। तो एक ही रिएक्शन के अंदर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन में कितने स्टेप हो गए, 1 एंड 2, पहला रेडिकल, सेकंड साइक्लाइजेशन, थर्ड फिर इसका डायबोरेन से इसका रिडक्शन हो गया आपका एल्किन, मतलब एल्किन का बोरेन के ऊपर एडिशन, देन आपने न्यूक्लियोफाइल यूज में लिया NaOH इन H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो बन गया आपका OH। इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट रेडिकल रिएक्शन और रेडिकल इंटरमीडिएट के ऊपर जितने भी टाइप से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, उसमें जितने भी टाइप के कंसेप्ट होते हैं, वो ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर मुझे कोई क्वेश्चन या कंसेप्ट रेडिकल इंटरमीडिएट से दिखता है तो मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंक्लूड करूँगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरमीडिएट में, जिसका नाम रहेगा कार्बेनियन, या फिर उसे इनोलेट केमिस्ट्री से भी जानते हैं। कार्बेनियन मीन्स कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट के रूप में जनरेट होगा। तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।